सर फ्रेंड्स, मैं आशीष वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले उन लोगों ने जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहां पर रेडी करता हूं आप लोगों के लिए वो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल सके। फैट लॉस सीरीज में जो हमने 12 एपिसोड्स की जर्नी हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की, जो मेरा पार्ट वन था जहां पे हमने 12 एपिसोड्स शूट किए, जहां पे हमने आपको इन एंड आउट सब कुछ बताया, उस पूरे फैट लॉस सीरीज को इतना प्यार इतनी मोहब्बत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में, जहां पे इस ड्यूरेशन में मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस बना के दूंगा फूड चेन साइकिल पे, जहां पे मैं आपको इस चीज पे गाइड करूंगा कि जो हम रूटीन लाइफ में जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जो चीजें हम खाते हैं, उसके मिथ्स क्या हैं, उसके फैट्स क्या हैं। बहुत सारी चीजें फैट लॉस के साथ भी कनेक्टेड रहेंगी, मसल गेन के साथ भी कनेक्टेड रहेंगी, आपके वेट मैनेजमेंट के साथ भी कनेक्टेड रहेंगी। सो एक पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ, जहां पे मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा जो आपको डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आपको साबित होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राउन राइस और व्हाइट राइस। सी, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस को हमने बहुत अलग अलग तरीके से मार्केट में देखा है, लेकिन मैं अगर बेसिक से स्टार्ट करूँ तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया है ना, वो सबसे लार्जेस्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है राइस। अलग अलग तरीके के राइस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। दूसरा, जो राइस का हमारा जो एक तरह से हम देखेंगे जो जुड़ाव है वो इस तरह से भी है कि एक कल्चरल वैल्यू जो है राइस की वो हमारे लाइफ के साथ बहुत जुड़ी हुई है। अगर आप नॉर्थ का पूरा सेगमेंट देखें तो नॉर्थ है वहां पे राइस का कंजम्पशन ऑलमोस्ट हर रोज होता है। अब पूरा ईस्टर्न अगर रीजन देख लें वहां पर भी आपको राइस का कंजम्पशन मिलेगा। अब साउथ पकड़ लीजिए, वहां पर भी आपको जो राइस का कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा मिलेगा। और जो स्टेट्स हैं वहां पर भी अगर आप देखोगे तो नहीं तो भी वीक में कम से कम 2 या 3 बार राइस आपके खाने में जरूर रहता है। सो इसका मतलब जो राइस है उसका हमारा डेली रूटीन के साथ बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ है, और हमें ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस इसके बीच में डिफरेंस क्या है, मेडिकली किस तरह से ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, और ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के बीच में जो डिफरेंस है कि ब्राउन राइस कैसे बनता है और व्हाइट राइस कैसे बनता है, वो उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फार्मर जो है वो ग्रो करता है राइस को, और वो जो राइस वो काटता है, तो वो जो राइस होती है ना वो राइस ब्राउन ही राइस होती है। उसके ऊपर जो हस्क होता है, वो जो छिलका बोलते हैं, उसके अंदर जो दाने होते हैं, वो दाने इंडिया में आप कहीं पर भी राइस ग्रो करोगे वो उसका नेचुरल रिसोर्स यही है कि नेचुरल सोर्स की तरीके से वो आप अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर के जो दाने हैं वो ब्राउन ही होते हैं। फिर किसान क्या करता है, किसान उस पूरे जो राइस होता है उसको मंडी में ले जाता है और उसको बेचता है। वहां से जो मिल के ओनर होते हैं वो उसको परचेस करते हैं और उसके बाद उसको ले जाते हैं मिल्स में, और उसके बाद वहां से वो वाइट में कन्वर्ट होता है। सो इवेंचुअली जो आपके पास राइस आता है, जो किसान जो बनाता है, जो फार्मर ग्रो करता है, वो तो ब्राउन ही होता है। तो ब्राउन से और वाइट की जर्नी क्यों होती है, कैसे होती है, और वो जर्नी जो है वो बेनिफिशियल क्यों नहीं है, उसके ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन करूं तो ब्राउन राइस जो होता है ना वो आपका बेस्ट नेचुरल सोर्स आपका होल ग्रेन का है, जिसके अंदर आपको विटामिंस, मिनरल्स, फाइबर, ओमेगा 3, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ये सारा सब कुछ मिलता है। लेकिन जब ये मिल्स के अंदर जाता है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जो राइस होता है ना उसके ऊपर 3 लेयर होते हैं, एक एंडोस्पर्म होता है, एक जर्म होता है और एक ब्रेन होता है। तो एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म का मतलब है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है, जो स्टार्च है, उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। जर्म का मतलब उसके अंदर जो भी विटामिंस हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी मैंगनीज हैं, जो भी आयन हैं, जो भी विटामिंस हैं सारे, वो जो जर्म करके सेक्शन होता है ना उसका आउटर पोर्शन वो कंटेन करता है, और ब्रेन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करता है। जब ये मिल के अंदर जाता है तो इसके ऊपर की जो 2 लेयर हैं, जर्म और ब्रेन, इसको मिल के अंदर निकाल दिया जाता है। इसके लिए निकाल दिया जाता है क्योंकि जब आप राइस को कंज्यूम करो और खाओ तो आपको थोड़ा टेस्टी लगे। अब आप इसको या लेंटिल्स के साथ खाओ या सब्जी के साथ खाओ, वो आपको टेस्ट देता है। इसके लिए मिल के जो ओनर्स होते हैं या जो मिल में जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर के जो 2 लेयर्स होते हैं वो 2 लेयर जर्म और ब्रेन के निकाल दिए जाते हैं। उसके ऊपर सिर्फ बचता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब है उसके अंदर सिर्फ कार्ब्स हैं और उसके अंदर सिर्फ स्टार्च है।
जो आप खाओगे डेली लाइफ में तो आपके बॉडी में एज अ फैट कंज्यूम होगा, आपके बॉडी के अंदर एज अ फैट स्टोर होगा। और अगर आपकी डेली एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है तो ये फैट स्टोर होते होते आपको ओबेज करता है। इसके लिए आप देखोगे कि नॉर्थ साइड में या आपके साउथन साइड में जो लोग राइस का रोज यूज करते हैं उनके में ओबेसिटी रेशियो हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे डाइट की नॉलेज उतनी नहीं है। सी थ्रू आउट द इंडिया डाइट की नॉलेज आज भी उतनी नहीं है, लेकिन वहां पे राइस का कंजम्पशन ज्यादा इतना है कि वो हमेशा फैट के तौर पे स्टोर होता जाता है। सेकंड, जब इसके ऊपर से जर्म और ब्रांड ये दोनों लेयर्स निकल जाते हैं, इसके बाद जब ये मार्केट में जाता है और जब पैक होता है तो इसके अंदर कभी भी आप अगर मैंने कई बार वीडियो में ये बताया है कि ब्राउन राइस और वाइट राइस दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है, दोनों में कार्ब्स सेम आते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होते हैं जो बॉक्स के अंदर पैक करते हैं वो उसमें ब्राउन राइस और वाइट राइस के बीच में कंपैरिजन में कभी भी आपको फाइबर नहीं दिखाएंगे, कभी भी प्रोटीन नहीं दिखाएंगे, कभी भी फैट नहीं दिखाएंगे, कभी मैंगनीज नहीं दिखाएंगे, आयरन नहीं दिखाएंगे, विटामिंस और मिनरल्स के रेशियो और एस्पेक्ट्स नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीजें वो लोग निकाल देते हैं। इसके अंदर सिर्फ बचता है तो एक ही चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, जो आप अगर कंज्यूम करते हो और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है तो ये आपके बॉडी में एज अ फैट स्टोर होगा और धीरे धीरे ओवर द पीरियड आपको ये फैट और ओबेस बनाएगा। दूसरा, जब आप व्हाइट राइस कंज्यूम करते हो, व्हाइट राइस आपकी बॉडी में स्पार्क करता है, स्पाइक करता है इंसुलिन को, और इंसुलिन का एक कोटा है हमारे बॉडी के अंदर। स्पाइक होने से क्या होता है, आपकी बॉडी जब स्पाइक करती है इंसुलिन को तो डायबिटीज बढ़ने का चांस होता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दो चीजें हमारे इंडिया के अंदर की जो जहां पे सबसे ज्यादा ग्रेन ब्राउन राइस बनता है वही कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स हैं। अगर ओवरऑल 100% में से अगर आप बाइफर्केट करें ना तो 75% इसी वजह से डायबिटीज आज है क्योंकि लोग व्हाइट राइस कंजम्पशन करते हैं। और दूसरा, जो हमारे फार्मर्स हैं वो फार्मर्स नेचुरल ब्राउन राइस बनाते हैं, खेत में उगाते हैं, उसको बेचते हैं, और वही जो ब्राउन राइस है उसी को अनहेल्दी वे में उससे ज्यादा पैसा देके वो लोग परचेस करते हैं, जिसको हम व्हाइट राइस बोलते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए कि हमको आज भी इसके बीच का डिफरेंशिएशन नहीं पता है कि व्हाइट राइस जो आप आज दिन में खा रहे हो वो हेल्दी नहीं है। दोनों के बीच, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस के बीच के न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है, कैलोरीज सेम है। आप एक कप ब्राउन राइस खाओ, एक कप व्हाइट राइस खाओ, दोनों के अंदर सेम कैलोरी मिलेगी, सेम कार्ब मिलेगा, लेकिन व्हाइट राइस के अंदर ना तो आपको प्रोटीन मिलेगा, ना तो कार्ब, ना तो फैट मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, ना तो विटामिंस मिलेंगे, ना तो मिनरल्स मिलेंगे, सिर्फ ये फैट प्रोवाइड करेगा। और ये डाइजेशन में भी उतना ईजी नहीं है। व्हाइट राइस जब खाओगे ना तो आपको हैवी फील होगा, जहाँ की जब जो ब्राउन राइस होता है वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है ना। दूसरा, जब आप ब्राउन राइस कंजम्पशन करते हो तो इसके साथ आपको जो कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज होते हैं, डायबिटीज के इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो कि आपके वाइट राइस खाने की वजह से इन सब चीज़ों की मेडिकल जो टर्म्स में हम बात करें, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, ये इसको इवेंचुअली ये बढ़ाता है। सो 5 मिनट के टेस्ट के लिए आप ओवर द पीरियड आपकी बॉडी को अनहेल्दी कर रहे हैं। सो बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट था ये वीडियो बनाने का, जो मैं बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, कि जो 3 लेयर्स होते हैं, एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रेन, इसमें से मिल में से ऊपर की जो 2 मेन लेयर होते हैं, जर्म और ब्रेन, इसको निकाल दिया जाता है जिससे आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन ये टेस्ट के सामने आपके हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। मेरा ये आप सबको सजेशन है कि आपके डाइट में राइस का सही अमाउंट रखो और वो ब्राउन राइस का अमाउंट रखो। आप ये चीज आपके फैमिली को भी एजुकेट करो, ये जो वीडियो है इसको शेयर करो, लोगों को बताइए कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू सेम है, और आपके खाने में ये जरूर ऐड कीजिए ब्राउन राइस, ये बहुत हेल्दी है। जितने भी डाइटिशियन हैं आपको हमेशा ब्राउन राइस सजेस्ट करेंगे। अगर आप फैट लॉस के ऊपर हो, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, आप मॉडलिंग कर रहे हो, या आप रूटीन लाइफ में हो, व्हाइट राइस को आप साइड कर दीजिए, ये वैसे भी अनहेल्दी है, ब्राउन राइस का कंजम्पशन कीजिए, ये आपकी लाइफ को हेल्दी भी बनाएगा और आपके फैट लॉस की जर्नी में भी आपको बहुत मदद करेगा। सो आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगेन ये चैनल है जो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू, जय हिंद।